दोस्तों, कल की शाम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक कह सकते हैं, सबसे डरावनी शाम कह सकते हैं, सबसे दुखद शाम कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगभग 8 से 9 कलाकार खो दिए, और वो 8 से 9 कलाकार हमारे बीच अब नहीं रहे। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। कल का दिन हमारे लिए, होता है जिसको ब्लैक डे बोलते हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कल का दिन ब्लैक डे था। कल वाला डे जो था वो ब्लैक डे था, क्योंकि हमने भोजपुरी के 7, 8, 9 कलाकार हमने खो दिए, और इसका भरपाया हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। यू नो, भोजपुरी जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटी सी इंडस्ट्री है। ये हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, और अगर हमारी फैमिली पे बात आए, चाहे कोई भी आ जाए, तो शायद हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। कल की घटना है, कल प्रोग्राम करने टोली चली थी, प्रोग्राम करने लोग जा रहे थे, जिसमें एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में टोटल 9 या 8 लोग मारे गए। एक्सीडेंट इतना गंदा था, इतना भयानक था, कि अगर फोटोज आप लोग देख लें, मैंने फोटोज देखी, मतलब एक अजीब सा मन हो गया अंदर से, बाप रे, मतलब देखा नहीं जा रहा था, इतना गंदा और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अब रीजन क्या है एक्सीडेंट का, कोई बोल रहा है कि गाड़ी तेज था, कोई बोल रहा है कि ट्रक में जाके मार दिया ये, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज गाड़ी बच के चलाइए। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं, अपने लिमिट में चलाइए, एक एवरेज स्पीड पे चलाइए, ये नहीं कि उड़ाने लगिए, एक एवरेज स्पीड पे चलाइए, एक अच्छे स्पीड पे चलाइए, स्पीड को मेंटेन करके चलिए। ये नहीं कि रोड खाली है, अच्छी कार लिए हुए हैं तो उड़ा देना है, नहीं भाई, बहुत वैल्यू है, बहुत मुश्किल से ये जिंदगी मिलती है। हमने ऐसे ऐसे लोग खोए, प्रोग्राम था शायद बनारस साइड में कहीं पे, छोटू पांडे जी हैं जिनका निधन हुआ, सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी डांसर, सिमरन श्रीवास्तव है, आंचल तिवारी है, ये लोग हमारे बीच नहीं। मतलब कहने में अजीब लग रहा है कि कल को जिनको हम सामने देखा करते थे, जिनको स्टेज पे लाइव परफॉर्म करते हुए देखा करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। अब कर तो कोई कुछ नहीं सकता, अब जो हो गया उसको वापस तो कोई ला नहीं सकता, उन्हें उनकी ज़िंदगी को वापस ला सकता है, लेकिन अब हमें एकजुट होकर उनके पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना है, कदम से कदम मिला के चलना है, उनको हिम्मत देना है, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहना है। कल मतलब जब मैंने शाम में ये चीज़ें देखी, तो पहले तो इंसान को विश्वास नहीं होता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, और 1, 2, 3, 4 नहीं, टोटल 8, 9 लोगों को एक साथ, मतलब अंदर से इतना गंदा लग रहा है, मतलब क्यों करते हैं भगवान ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज गाड़ी को धीरे चलाएं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक एवरेज स्पीड में चलाएं, हो सकता है कहीं ट्रक वाले की गलती हो सकता है कहीं इन लोगों की ही गलती हो, तो प्लीज थोड़ा संभल के चला करें यार, बहुत मुश्किल से ये जीवन मिलता है, ये जिंदगी मिलता है। छोटू पांडे भैया, सत्यप्रकाश मिश्रा भैया, सिमरन श्रीवास्तव, आंचल तिवारी, ये सारे नाम कानों में आ रहे हैं ना, तो मतलब अजीब लग रहा है यार, मतलब क्या कहूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं बस एक मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस बस एक ही था, एक ही उद्देश्य था, क्योंकि जो हो गया उसको तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन प्लीज उनके परिवार के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर सबको चलना चाहिए, उनके दुख में उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, डट के खड़ा रहना चाहिए, और दिखाना चाहिए कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में यूनिटी कितना है। और एक छोटा सा परिवार है हमारा, इसमें से चीजें उजड़ जाती हैं, तो मेरा तो कल से एकदम, मेरा शाम से अजीब सा एकदम सबका मन हो गया। मेरे रूम में भी जितने लड़के हैं, सारे लड़के अजीब परेशान, कोई इधर कोई उधर फोन घुमा रहा है, कोई इधर घुमा रहा है, कोई उसकी फिर मैंने भी कोशिश किया पीड़ित परिवार से बात करने का, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत बुरी हुई हैं, कोई फ़ोन उठाने के उसमें नहीं हुआ।
मैंने सोचा कि घर भी जाऊं वहाँ पे, लेकिन कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे। सबको आना चाहिए आगे, सबको आगे आना चाहिए, बड़े बड़े से लेकर छोटे कलाकार सबको आना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है। और प्लीज़ गाड़ी एवरेज स्पीड में चलाएं, प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं उड़ने का हवा में। अच्छा रोड मिल गया, अच्छा गाड़ी मिल गई तो मतलब हवा में उड़ा देना है। नहीं भाई, एक एवरेज स्पीड पे चलाइए, लिमिट में चलाइए। बहुत बहुत प्रीशियस है ये लाइफ, बहुत वैल्यू वैल्यू है इसका, बहुत मुश्किल से मिला है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्लीज़। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, भगवान से निवेदन है कि हमारे सभी कलाकारों के आत्मा को शांति दे, तृप्ति दे। बाकी आप लोग नमन जरूर लिख दीजिएगा उन लोगों के लिए। धन्यवाद।